हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 10³ को इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास 10³ को इंटीग्रेट करने का, या आईएससी में आ चुका है एक बार। तो 10³ है, सबसे पहले 10³ को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, टुकड़ों में कर लेंगे। मतलब तो 10³ है, 10² एक्स कर लेंगे, फिर 10x कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। 10² एक्स इंटू 10x 10³ ही हो जाएगा, मतलब फिर से वही हो जाएगा। और 10² एक्स यहाँ पे हम देख सकते हैं 10² एक्स बन चुका है। 10² एक्स की आइडेंटिटी होती है वो x²x+1 होता है, तो हम 10² एक्स की जगह x²x+1 लिख देंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। तो x²x+1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे 10x पहले से था ब्रैकेट में, इसका dx। अब हम 10x को से मल्टीप्लाई कर देंगे x²x को और 1 को, तो ये दो पार्ट्स में इंटीग्रल स्प्लिट हो जाएगा। तो 10x x²x इसका dx प्लस 10 1 × 10x 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 का इंटीग्रेशन, इसका भी dx। अभी इसको i1 ले लेंगे, इसको i2 ले लेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो i1 में हम देख सकते हैं इस वाले पार्ट में, अगर हम 10x को t ले लें तो x²x इसका जो डिफरेंशिएटेड पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे t इक्वल टू 10x ले लेंगे। तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू x²x हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन x²x। अब इस डी एक्स की वैल्यू हम इस इंटीग्रल i1 में पुट कर देंगे। i1 हमारे पास था 10x इंटू x²x, लेकिन 10x हम लोगों ने t लिया था, t रख देंगे, x²x था। फिर अब डी एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, डी एक्स की हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, डी टी अपॉन x²x। अब x²x हम देख सकते हैं कि यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और dt विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन t² / 2, दैट्स इट। और t मतलब 10x था, तो यहाँ पर 10² x हो जाएगा, 10² / 2, ये हम लोग का इंटीग्रेट हो चुका। अब इसके बाद i2 हम लोग के पास 10x है, सिंपली बस 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ sec x, मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस क्लोज, दैट्स इट। बस अब ये i1 हो गया, ये i2 हो गया, i1 प्लस i2 कर देंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में थे। तो ये 10² x/2 प्लस log ऑफ sec x प्लस c, दैट्स इट। हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया। थैंक यू।